हमारा देश त्योहारों का देश है, धर्म स्थलों का देश है, मेहमान नवाजी यहाँ की पहचान है, रोटियां यहाँ पर कभी गिन के नहीं बनती। कोई भी त्योहार हो या हो शादी, शहर का कोई बड़ा रेस्टोरेंट हो या मोहल्ले के सभी घरों के आटे के लिए लगी हुई अपने आटा चक्की वाले की दुकान, इतने सारे लोगों के लिए एक साथ इतनी मात्रा में आटा कौन पीसता है? अरे भाई, इसके लिए ही तो है इंडिया का नंबर वन पल्वराइजर, यानी ऑटोमाइज पल्वराइजर। नमस्कार दोस्तों, ऑटोमाइज पल्वराइजर में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे पावर, परफॉर्मेंस और परफेक्शन से फुल्ली लोडेड स्टाइलिश मशीन की डेमोंस्ट्रेशन। वैसे तो इस ऑटोमेटिक मशीन को चलाना है काफी आसान, पर इसके बेहतर इस्तेमाल के लिए उसके पार्ट्स और सिस्टम को समझने से उसको चलाने में और भी आसानी होगी, और हमें मिलेगा बारीक सेहतमंद आटा और मसाला। ऑटोमाइज 2-in-1 पल्वराइजर में आपको मिलते हैं अलग अलग अनाज के लिए 8 तरीके की जाली, इसके साथ है 2 कॉटन बैग और सफाई के लिए ब्रश। यहाँ पर आपको मिलते हैं 2 हॉपर, ये है अनाज और ये है मसालों के लिए। एकमात्र ऑटोमाइज पल्वराइजर आपको देते हैं 2 चैम्बर, जिससे आपको मिलता है और भी बारीक आटा। अनाज के बहाव को कंट्रोल करने के लिए है लीवर, ये है एम्पियर मीटर जो हमें पावर लोडिंग की जानकारी देता है, इसे बिटर कहते हैं जो प्योर एसएस का बना हुआ है। होपर की तरह यहाँ पर भी आपको 2 बिटर मिलते हैं। दोस्तों, आपकी सुविधा को ध्यान में रखते हुए यहाँ आपको मिलता है स्टोरेज। और दोस्तों, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज जो ऑटोमाइज पल्वराइजर को बनाती है नंबर वन और दूसरों के मुकाबले बिल्कुल अलग। हमारे 5 HP और इसके ऊपर के मॉडल्स पर आपको मिलेगा एक्सक्लूसिव साइक्लोन सिस्टम, जिससे आपको मिलेगा आपका पीसा हुआ आटा इस पाइप के जरिए सीधा इस कंटेनर में बिना किसी रुकावट ढेर सारा आटा। इसकी और एक खास बात, ये आपके आटे को रखे ठंडा और बनाए रखे पौष्टिक। तो ये थी ऑटोमाइज पल्वराइजर के पार्ट्स के बारे में जानकारी। आइए अब देखते हैं इसे कैसे चलाते हैं। सबसे पहले हम चैम्बर के नीचे के हिस्से में कॉटन बैग को लगाएंगे। अब आपको जिस तरीके का अनाज पीसना हो उस तरीके की जाली लगाइए। कौन से अनाज के लिए कौन सी जाली लगानी है उसकी पूरी जानकारी यहाँ टॉप डोर पर दी गई है। जाली को पसंद करके ग्राइंडिंग चैम्बर में सेट कर लीजिए। इसके बाद ग्राइंडिंग चैम्बर को बंद कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, ग्राइंडिंग चैम्बर ठीक तरीके से बंद हुआ है या नहीं उसकी पुष्टि कर लीजिए। अब हम ऑटोमाइज पल्वराइजर को प्लग इन करते हैं और होपर में अनाज डालते हैं। अनाज की साइज के हिसाब से लीवर को सेट कीजिए। अब हम स्विच ऑन करेंगे। ऑटोमाइज पल्वराइजर दूसरे पल्वराइजर के मुकाबले आवाज भी कम करता है, रफ्तार से अनाज को पीसने की क्षमता रखता है और दूसरों के मुकाबले 30% ज्यादा अनाज पीसता है। लीजिए, हो गया कुछ ही मिनटों में आटा तैयार। अब हम स्विच बंद करेंगे और चैम्बर को ब्रश से साफ करेंगे। और हाँ, पल्वराइजर का सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए कुछ चीजों का खास ख्याल रखें। अगर पल्वराइजर चालू करने के बाद मीटर का कांटा हरे रंग से नीचे की ओर आ जाए तो रेगुलेटर को उस तरह से घुमा लीजिए जिससे मीटर का कांटा सही जगह पर आ जाएगा। और अगर मीटर का कांटा हरे रंग से आगे की ओर जाए तो पल्वराइजर को एक बार बंद कर लीजिए और ग्राइंडिंग चैम्बर में जमा हुए अनाज को ब्रश से साफ करें और फिर से अनाज के मुताबिक रेगुलेटर को सेट करें। पल्वराइजर का इस्तेमाल करते वक्त कांटे का हरे रंग में रहना बहुत जरूरी है। ऑटोमाइज पल्वराइजर में ठीक आप इसी तरह गेहूं, बाजरा, जुवार, चावल, चने की दाल, मैदा वगैरह का बारीक आटा और ढोकला, रवा इडली, डोसा, लड्डू के लिए करकरा आटा पीस सकते हैं। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के साथ आप मेहंदी और आंवला के दाने भी पीस सकते हैं। तो ये थी ऑटोमाइज पल्वराइजर में अनाज पीसने की जानकारी। आइए अब देखते हैं इसमें हम हल्दी कैसे पीसेंगे। सबसे पहले हम हल्दी को पीसने के लिए उसके मुताबिक जाली ग्राइंडिंग चैम्बर में सेट करते हैं और मसालों के लिए दिए गए आगे के होपर को सेट करते हैं। अब हम हल्दी को आगे के होपर में धीरे धीरे डालेंगे और साइज के हिसाब से लीवर सेट करेंगे। और ये देखिए दोस्तों,
कितनी रफ्तार से हल्दी पिसी जा रही है। ये देखिए कुछ ही मिनट में तैयार हल्दी के टुकड़े। अगर आपको बारीक हल्दी पीसनी है तो भी आप आराम से पीस सकते हो। इसके लिए हम इसे बड़े होपर में डालेंगे, इसके अनुसार की जाली लगाएंगे और ये है तैयार हमारी बारीक हल्दी पाउडर। दोस्तों हम यहाँ पर गरम मसाला, मिर्च और धनिया भी पीस सकते हैं। है ना दोस्तों, कमाल का प्रोडक्ट। पत्थर वाली घंटी की तुलना में इसके और भी बहुत फायदे हैं। जैसे पत्थर वाली घंटी के मुकाबले ऑटोमाइज 2-in-1 पल्वराइजर है एकदम मेंटेनेंस फ्री। ऑटोमाइज 2-in-1 पल्वराइजर को साफ करना है एकदम आसान और यह कम जगह में भी आसानी से रखा जा सकता है। पत्थर वाली 5 HP पावर क्षमता का काम ऑटोमाइज पल्वराइजर सिर्फ 3 HP सिंगल फेज पावर क्षमता में कर देती है, जिससे होती है बिजली की बचत। इस 3 HP पल्वराइजर मॉडल के साथ ऑटोमाइज पल्वराइजर पेश करता है जरूरत के हिसाब से लंबी प्रोडक्ट रेंज, 1 HP, 2 HP, 3 HP, 5 HP, 7.5 HP, 10 HP, 15 HP और 20 HP, जिसे हम रेस्टोरेंट, दुकान, हॉस्टल, लघु उद्योग और सोसाइटी जैसे किसी भी जगह पे उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इस 2-in-1 ऑटोमाइज पल्वराइजर की मॉडल के अनुसार ग्राइंडिंग कैपेसिटी भी देख लेते हैं। ऑटोमाइज पल्वराइजर के साथ आपको मिलती है 1 साल की वारंटी। ऑटोमाइज पल्वराइजर को चलाने के साथ आइए एक नजर सेफ्टी टिप्स पर भी कर लेते हैं। ऑटोमाइज पल्वराइजर के प्रत्येक मॉडल को चलाने के लिए अर्थिंग अनिवार्य है। जाली को पानी से साफ मत कीजिए, केवल ब्रश का उपयोग कीजिए। मशीन का उपयोग ना हो या उसकी सफाई हो रही हो तब स्विच बोर्ड की स्विच बंद रखें, उसे इलेक्ट्रिक एक्सीडेंट की संभावना से सुरक्षा मिलती है। मसाले पीसने के लिए साइड के होपर का उपयोग करें और अनाज पीसने के लिए ऊपर के होपर का उपयोग करें। होपर में अनाज खत्म होने से पहले अगर किसी कारण मशीन बंद हो जाती है तो वापिस शुरू करने से पहले इन बातों का ख्याल रखें। स्विच बोर्ड की स्विच बंद करें। ग्राइंडिंग चैम्बर में पड़ा हुआ आधा अधूरा पिसा हुआ अनाज निकालकर वापस होपर में डालें। ग्राइंडिंग चैम्बर बंद करें। होपर में अनाज खत्म होने से पहले बार बार मशीन बंद होती है तो हमारे सर्विस सेंटर का संपर्क कीजिए। अगर आपको ऑटोमाइज 2-in-1 पल्वराइजर के बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमें 8739087390 पर संपर्क कर सकते हैं। ऑटोमाइज पल्वराइजर की एडवांस और लंबी प्रोडक्ट रेंज, जिससे आपको मिलता है कम खर्च और कम समय में बड़ी मात्रा में स्वस्थ आटा एवं मसाले। शारीरिक ऊर्जा में जो लाए निखार, स्वच्छ आटा ही एक आधार। इंडिया का फेवरेट यानी 2-in-1 ऑटोमाइज पल्वराइजर।